मुद्दा सिर्फ महंगाई है, महंगाई बड़ा मुद्दा। हाँ, सरकार तो बात करती, सब तो कंट्रोल कर दिया। नहीं, सरकार तो यही आएगी भाजपा की। देखो, सरकार तो देखा जाए तो बीजेपी की अच्छी है हरियाणा में, ठीक है, भ्रष्टाचार वगैरह कम हुआ है, मुख्यमंत्री उडाई बनना है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उडा के चक्कर में कांग्रेस को वोट देते हैं, नहीं तो बीजेपी तो है ही बैठे। अरे कांग्रेस के हैं भाई, कांग्रेस कट्टर कांग्रेस यहाँ दोस्त है और कुछ नहीं। मुद्दे बड़े जमींदार आदमी है, पहले नहर आती थी, हफ्ते दो दो देती थी, अब दो दो महीने तक नहर नहीं आती, एक एक हफ्ता भी नहीं मिलता, जाएंगे कहाँ। हर तरह से दुखी है, सिर्फ एक ढकोसड़ा बाजी है, एक 5 किलो अनाज के उसमें इन्होंने डाल रखे है, लेकिन देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिजकांत। इस समय हरियाणा की कलानौर विधानसभा में हूं। कुछ ही समय बाद इलेक्शन है, पब्लिक से जानकारी करते हैं किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात ये, क्या इस बार सरकार पलटेगी या फिर भाजपा की ही सरकार रहेगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दा सिर्फ महंगाई है, महंगाई बड़ा मुद्दा। हाँ, सरकार तो बात करती, सब तो कंट्रोल कर दिया। नहीं, सरकार तो यही आएगी भाजपा की। क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा महंगाई है। तो कंट्रोल कर दिया है? कर दिया, और कर देगा थोड़ा थोड़ा करके। कितना और चाहते कर दे? बहुत करेगा। सिलेंडर को लेके खुश है? सिलेंडर तो वही बात है ना, जब आदमी की इनकम होगी तो सिलेंडर भी आ जाएगा। पेट्रोल तो देखो, ये तो ऊपर वाला काम है ना, इसका तो नहीं कह सकते। पेट्रोल महंगा तो हो रहा है, सरकार तो बीजेपी की आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी 100% बीजेपी की। देखो, सरकार तो देखा जाए तो बीजेपी की अच्छी है हरियाणा में, ठीक है, भ्रष्टाचार वगैरह कम हुआ है। पहले सरकारी ऑफिस वगैरह में जाते थे, दिक्कत आती थी, अब नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऑनलाइन वगैरह सिस्टम अच्छा किया है, नौकरियों में अच्छा किया, कम दी है नौकरी, लेकिन जो नौकरी दी है ना, वो नौकरी बिना पैसे की और बिल्कुल कंट्रोल में दी है। जो आदमी ये मान लो नौकरी के लायक है, उसी को नौकरी मिल रही है, ये नहीं है कि गए नेताओं के चक्कर काटे और नौकरी मिल गई, ठीक है। अगर आप रोहतक डिस्ट्रिक्ट और बाकी जगह घूमोगे तो यहाँ तो देखो, उड्डा को लोग मानते हैं कि उसकी घरेलू डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नज़र में ये है कि बीजेपी अच्छी सरकार है। यहाँ पर विधानसभा की अगर बात करें तो मजबूत कौन निकल रहा है? मजबूत तो इसमें देखो, कांग्रेस यहाँ से लगभग जीतेगी, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। हाँ, क्योंकि ये जो रोहतक का डिस्ट्रिक्ट है, तो मुख्यमंत्री उडाई बनना है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उडा के चक्कर में कांग्रेस को वोट देते हैं, नहीं तो बीजेपी तो है ही बैठे। ये क्या कौन सीन हुआ, तारीफ बीजेपी की हो रही है, जीतेगी कांग्रेस? ये होगा ना, डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे अपने घर में कोई हारेगा थोड़ी, अगर वो अपने घर में ही हारेगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, ये बताओ आप। यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है, ये तो हमेशा ही रहता है। अभी से उठा कर देख लो आप, पीछे ले लो आप, कांग्रेस का ही रहेगा। यहाँ से मुख्यमंत्री बना है, तब उसके बाद तो यहाँ पे सब क्लियर है। 2004 से उठा लो आप, जब से कांग्रेस की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ भाजपा की हो रही है, लेकिन यहाँ से जीतेगी कांग्रेस? पीछे देखिए, यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, हम बात करेंगे। ये गेम, ये ताऊ कैसे खेलते हो आप, क्या क्या होता है इसमें, थोड़ा बताओगे? सीप है भाई, पूछेगा सीप के नाम दो। ये मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए बिल्कुल। ये 10 और ए पड़ा हुआ है, ये 11 हो गया, 11 हो गया। हाँ जी, अच्छा, चुनाव आने वाला है। हाँ बोलो सर, क्या चल रहा है माहौल इधर का, होलदार का, किसका, चौकीदार का? हाँ, कौन जीतेगा? कांग्रेस है, यहाँ से तो कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल। भाजपा जो दावा कर रही है बड़े बड़े, भाजपा के तो दावे सारे फेल होने हैं, पहले क्या किए नहीं थे, ये हमारा राजनीतिक का थोड़ा पंडित है, इससे पूछो। ठीक है, दावे पहले किए थे वो दावे फेल हो गए, सारे फेल है। मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे सारे हैं, जमींदारों के सब क्या है, मुद्दे नौकरी के भी है, जमींदार के भी है, सब क्या है, मुद्दे है, एडजस्टमेंट होती नहीं कहीं भी। बड़ी समस्या क्या क्या है? बड़ी समस्या तो जमींदार के ऊपर ही है, जो किसान आज के टाइम पे एक भी कोई भी शर्त मंजूर नहीं कर रखी, बताओ आप, कोई तो ऐसी हो जिससे कि जमींदार उसके हक में जाए, सारे जमींदारों को उसने जीरो कर रखा है, ये बताओ आप। MSP का बड़ा मामला हुआ बिल्कुल,
किसान आंदोलन हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, किसान आंदोलन हुआ, किसानों की मौत हुई, क्या दिया? कुछ नहीं। उनकी जेल हुई, संघ ग्रह उसमें भी वो भीतर गए, कोई फायदा नहीं है। नाराज हो आप लोग? बिल्कुल। आप क्या करने वाले हो बता भाई? पापा बस छोड़ तो पूछ लीजिए। इधर मजबूत कौन है, कांग्रेस है भाजपा है? अरे कांग्रेस के हैं भाई, सारे कट्टर कांग्रेस यहाँ दोस्त है, और कुछ नहीं। कांग्रेस से निकलेगी? हाँ लकड़ेगी, लकड़ेगी नहीं तो दाम उठा के ले जाएंगे। और बोल एमएलए एमपी ना रोहतक जिले तारण को नहीं दें तो इधर कांग्रेस जीतेगी? हाँ बिल्कुल 100%। नंदाण में नहीं 100। कांग्रेस क्या पसंद है आपको? रोहतक जिले में नहीं, हरियाणा में 50 से 55 सीट आऊंगी मैं, लेता हूँ ये गारंटी को। सरी तलाम तो मैं लाने तैयार हूँ। तो ये है कि हमारा जो सीएम था पहले उड़ा, उन्होंने हमारे आगे नहर जो कि एक पानी किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज है उसकी मौज कर रखी थी। अब नायब सिंह सैनी है जो हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? पानी का कोई टोपा ही नहीं है नहरों में। पहले यहाँ नहर खूब चलती थी, बढ़िया किसानों को वो मिलता था। ये है सर, अब दिक्कतें बढ़ गई, सारी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं सर। आपका क्या क्या करने वाले हो? जो ये बता रहे ये विचार अपना, तो कांग्रेस ही जा रही है। कांग्रेस में ज्यादा पसंद क्या था? पसंद तो कांग्रेस ने क्यों नहीं करना, बीजेपी ने क्यों नहीं करना, कुछ नहीं करना, काम यो है करना हमने तो जो कर रहे हैं। सरकार को किसी ने लगा दी नहीं, को रोजगार नहीं दे रही है। जमींदार कर रहा हाँ, इसमें को प्रॉफिट नहीं, कितने भी कोई काम कर लिया उसमें कोनू तो नहीं है। इसमें उजाड़ा मिल गया, क्या है सब्सिडी दे दी, कोई फायदा तो नहीं दिया है किसी भी, कोई लाभ नहीं मिला है। आप क्या करने वाले हो? क्या करना है चुनाव में? क्या करने वाले हो चुनाव में? भाई वोट तो भाई उड़ेगी है कांग्रेस की। कांग्रेस की क्या मुद्दे बड़े हैं आपके? मुद्दे बड़े जमींदार आदमी है, पहले नहर आती थी हफ्ते दो दो देती थी, अब जो दो दो महीने तक नहर नहीं आती, एक एक हफ्ता भी नहीं मिलता, जाएंगे कहाँ? अब वो जाके आई है 2.5 महीने में जाके नहर आई, अब भी कोई चांस नहीं है। 2 रेट मिल जाएंगे, वो भी एक मिले या ना मिले, खेत खाली पड़े, ऊपर से लोगों के परेशान, डीजल फूक फूक के, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, डीजल इतना बढ़ गया, कोई फायदा तो है ही नहीं। भाजपा तो बात करती रही फायदा देने की, कोई फायदा नहीं दी। फायदा क्या देगी? फायदा सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, जितने वादे किए सब झूठे। देख लिया पिछली बार भी बीजेपी की वोट दी थी, क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। भाजपा से लोग नाराज हैं, फायदा क्या क्या मिला? फायदा कोई फायदा नहीं है, कोई भी फसलों में से 1% का भी फायदा नहीं है। तो लाभ तो बढ़ोत देने की बात करी भाजपा सरकार, एक सिर्फ ढकोसले हैं, कुछ नहीं है। लोगों को बरगलाना है, झूठे तूफान बोलने हैं, लेकिन हित की, पब्लिक के हित की कोई बात नहीं है आज इस विषय में। ठीक किसान हो? हम तो कमेरे वर्ग हैं। तो आप लोग तो हम जो आम आदमी दुखी है, किसान भी, कमेरा वर्ग भी, हर कोई है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सरकार से आज सुखी है। दुखी है सब, हर तरह से दुखी है। सिर्फ एक ढकोसला बाजी है, एक 5 किलो अनाज के उसमें इन्होंने डाल रखा है, लेकिन देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। परेशान कर दिया सभी, बिल्कुल परेशान, कोई रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी चुनाव भी नजदीक आ रहा है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वायदे करते हैं लेकिन झूठे वायदे करते हैं, कुछ नहीं है। नाराज हो सरकार से? बिल्कुल नाराज, सारी पब्लिक नाराज है भाई। यहाँ क्या, कहीं भी जाओ आप, चारों तरफ से नाराज है पब्लिक। तो इस बार सरकार को बदलने के मूड? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को बदलने के हित के लिए पब्लिक तैयार बैठी है दाव के साथ। देखिए काम बहुत ज्यादा नहीं हुए यही बता रहे हैं। आप क्या कहते हो, नाम आपका क्या हुआ? सतीश कुमार। क्या लगता है इस बार सरकार दोबारा आएगी, तिबारा एक बार सरकार फिर से बनेगी भाजपा की? नहीं यार, अभी तो सरकार बदलनी पड़ेगी। बदलने के मूड में हो? जी जी। क्या क्या फायदे मिले? कुछ तो फायदा मिला होगा। नहीं कोई फायदा नहीं मिला। नुकसान क्या क्या हुए फिर? नुकसान कहते तो हैं लेकिन होता नहीं, कोई फायदा नहीं होता जी। यहाँ पे आप लोग को बड़ी समस्याएं क्या रही पिछले 10 साल में? समस्याएं तो ये देखो जी, रोड ही नहीं बना था, ये
अब रोड ये मेरे ख्याल अभी कुछ दिन से ही बना है, 4-5 साल से तो रोड ही नहीं बन रहा था ये। ठीक है जी, फिर पानी की समस्या तो चलती ही रहती है। आप किसान हैं जी? मजदूर हैं। मजदूर हैं जी, जी। मजदूरों की अगर बात की जाए तो डेली जो इनकम होती रहती है, जो मजदूरी होती है, वो क्या डेली मिल जाती है? कुछ नहीं मिलता, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। मतलब महंगाई टॉप पे बढ़ी हुई है। महंगाई तो है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जी जी। तो अभी सरकार बदलने के मूड में बैठे हो? जी जी जी। देखिए, सरकार बदलने की बात है, क्या मजदूर क्या आम आदमी का तबका, सभी परेशान है। आप क्या कहते हो ताऊ? कुछ नहीं, सब देखिए चुप है, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। पीछे भी लोग हैं, आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब इसी से बात करो। समस्याएं क्या कह रहे हैं? समस्या तो बता दो। बड्डा ने बता दिया, वही समस्या है बस। वही समस्या सभी को। वही समस्या। पीने का पानी मिल रहा है कि वो नहीं मिल रहा? पानी पीने का काम मिल रहा है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। सरकार लाना चाहते हो, बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं आप भी? हाँ। क्या फायदे मिले हैं सरकार में, क्या नुकसान रहे? भाई हमने तो कुछ फायदा ना मिल गया। कोई फायदा नहीं? नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान कितना डूब डाब जैसे चारा ने डंडा आ गया है, अब चारा ने वो खेती डूबेगी, चारा ने आएगी, चारा ने जमाना सही इस संसार में आज के दिन फसल डूबेगी, चारा ने आओगा डंडे, नुकसान हो गया। हाँ, तो सरकार कोई फायदा नहीं करी ना? अड़क बीजेपी कोई फायदा नहीं कर रही है। तो अभी बदलोगे? देखो तो सब बदलेंगे, जब बदला जाएगा भाई, एक मेरे कहे थे तो बदले नहीं जा। पब्लिक नाराज है वैसे? मैं तो सुई और का तो के ठेका लूं मैं। हाँ भाई, बहुत सारी प्लेसेस पे तो ज़्यादा समस्या यही है कि पब्लिक इस बार पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार भाजपा सरकार नहीं लाएगी, लेकिन 3 महीने चुनाव के बचे हैं, क्या कुछ होगा, सब कुछ अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। और माहौल क्या रहेगा 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, पब्लिक क्या कुछ मुद्दों पर वोट करेगी, सारे मुद्दे आप तक पहुंचेंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।